आज हम पढ़ेंगे मरकरी कंपाउंड्स, ठीक है। तो जो ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड है उसमें जो मरकरी है वो कौन से स्टेट में होती है आपकी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है, ठीक। तो कैसे, RHG+2 डेरिवेटिव्स जो होते हैं ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड है। शॉर्ट टॉपिक है लेकिन कुछ रिएक्शंस इसके इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ेंगे, कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो फर्स्ट मेथड है नॉर्मल, जैसे एल्किल हैलाइड की किसके साथ रिएक्शन कर देते हैं, मरकरी के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HNU, ठीक है। क्या बनेगा फिर आपका, RHGI। लेकिन ये भी जैसे कि आपने उसमें पढ़ा होगा ऑर्गेनो जिंक में, ये क्या होता है आपका R2HG में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो RHGI बनता है, लेकिन ये क्या इक्विलिब्रियम की कंडीशन में R2HG के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक। तो फर्स्ट बनाते हैं नॉर्मल एल्किल हैलाइड की मरकरी के साथ रिएक्शन, दूसरा है ऑर्गेनो लिथियम से और ग्रिगनार्ड रिएजेंट से। जैसे कि जिंक वाले बनाए थे सेम वही है, RLI+HGX2, RMGX+HDX2 क्या बन जाएगा फिर, RHGX+LIX अलग हो जाएगा। S में क्या हो जाएगा, RHGX और MGX2 अलग हो जाएगा, ठीक। और वो किस फॉर्म में आ जाएगा, R2HG और R2HG के फॉर्म में, और HGX2, सॉरी LIX2 यहाँ पर अलग हो जाएगा, HG गलत हो रहा है यहाँ पर, और MG हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और थर्ड मेथड क्या है आपका, जब हम क्या करते हैं आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड की मरकरी एसीटेट के साथ HGO AC का होल ट्वाइस इसके साथ रिएक्शन करते हैं, तो वहाँ उस समय भी क्या होता है आपका मरकरी क्या हो जाता है, रिंग में इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर को भी क्या बनते हैं फिर आपके, ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक। तो ये था आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाता वो है, ठीक। अब इसके रिएक्शंस क्या हैं, देखो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये कहाँ पर होती है, देखो जब हम क्या करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड की मरकरी एसिटेट, जो इसकी प्रिपरेशन मेथड है ना यही वाली, और क्या करेंगे आपका एरोमेटिक कंपाउंड है इसकी किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं आपका, मरकरी एसिटेट के साथ रिएक्शन करते हैं। तो क्या होगा आपका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, HGO AC, ठीक। तो ये यहाँ से क्लीव होगा, यहाँ कैसा आ जाएगा प्लस, और ये प्लस यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। तो क्या बन गया देखो, इसमें क्या आ गया आपका, HGO AC हो गया, ठीक। अब इसकी जब क्या करते हैं आपका NaCl के साथ करते हैं, तो OAC किस में कन्वर्ट हो जाता है, ACl में। अब इसका कहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे आई डोनेशन करना है तो I2 के साथ रिएक्शन करेंगे, और ब्रोमिनेशन करना है तो Br2 के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा आपका, ये HGCl और I यहाँ आ जाएगा, और क्या आएगा, आयोडिनेशन हो जाएगा, ये बन गया, और ब्रोमिनेशन हो जाएगा, ये बन जाता है, ठीक। ये रिएक्शन पूछी जाती है, क्या क्या हो रहा है आपका, कोई ऑर्गन आपको एरोमेटिक कंपाउंड दिया जाएगा, मरकरी एसिटेट दिया जाएगा, और लिखा जाएगा I2 या Br2, ठीक। तो नॉर्मल कुछ नहीं होना है, जैसे क्या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो इसके पैरा पोजीशन पे ये इंट्रोड्यूस हो गया है, और बाद में ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो Br आ जाएगा, आयोडीन के साथ करेंगे तो I2। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये है आपका फ्यूरॉन, यदि इसकी करते हैं HGO AC के होल ट्वाइस से, तो हमें पता है जो फ्यूरॉन है उसकी जो टू पोजीशन है, मतलब ये यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, ठीक। तो यहाँ पर कौन अटैक करेगा, HGO AC यहाँ पर अटैक करेगा, कहाँ पर, इस पोजीशन में, समझ में आ रहा, टू में। तो टू पोजीशन में क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा, HGO AC। अब ब्रोमिनेशन करेंगे तो ये हटके क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, और आयोडिनेशन करेंगे तो आयोडीन आ जाएगा। तो ये ब्रोमिनेशन और आयोडिनेशन के लिए एक अच्छी मेथड है, मरकरी एसिटेट से पहले मरकरी ऑर्गेनोमेटल मरकरी कंपाउंड बना दो, फिर उसकी जो भी करना है ब्रोमिनेशन आयोडिनेशन हैलोजिनेशन कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी एल्कीन की, किसके साथ रिएक्शन है आपकी एल्कीन की, जब किसके साथ करते हैं देखो, मरकरी एसिटेट के साथ करते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ किसके कर रहे हैं, HX, ठीक। तो क्या हुआ देखो, ये ऐसे क्लीव हुआ, ये नेगेटिव या पॉजिटिव, ये ऐसे हुआ, ये नेगेटिव या पॉजिटिव, ये प्लस ने तो क्या बनाया, मरकरी बना दिया, प्लस है तो यहाँ पर आ गया मरकरी OAC बन गया, और ये क्या हो गया आपका प्लस, ये प्लस है तो जो यहाँ पर HX लिया जाएगा, जो भी चीज़ होगी उसका कौन सी चीज़, जो न्यूक्लियोफाइल होगा, जैसे Cl लेंगे तो Cl आ जाएगा, वाटर लेंगे तो OH नेगेटिव आ जाएगा, अमोनिया लेंगे तो NH2 आ जाएगा, तो जो भी लेंगे वो अटैक करेगा, दिख रहा है। जैसे यहाँ पर हमने HX लिया तो HX में कौन न्यूक्लियोफाइल है आपका, X है नेगेटिव, ठीक, ये न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ पर X आ गया। और लास्ट में क्या करते हैं, जब N सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये हटके यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाता है। तो फाइनली हुआ क्या आपका, सोडियम बोरोहाइड्राइड से तो हाइड्रोजन आया, और जो हमने यहाँ पर को क्या लिया था, जो भी रिएक्टेंट लिया था उसका जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पर, तो किसका एडिशन होता है आपका, न्यूक्लियोफाइल का, और ये क्या आ जाता है आपका, हाइड्रोजन का एडिशन होता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसकी दो तीन ही है लेकिन सब इम्पोर्टेंटली देखो क्या है, होता कैसे, देखो देखो RHGX था ये बनाना, दिख रहा है RHGOAC जो भी है, फिलहाल इसको X मान ले रहे हैं OAC को,
एसीटेट OAC, तो यहाँ से ये निकला, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ से हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ H नेगेटिव, समझ में आ रहा? H नेगेटिव हुआ तो जो ये कंपाउंड होता है वो कैसा होता है, काफ़ी स्टेबल जो बनता है ना ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड, स्टेबल कंपाउंड है। लेकिन जब इसके किसके साथ रिएक्शन करते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ करते हैं, तब ये इससे रिएक्शन करता है और किस में कन्वर्ट हो रहा है, देखो यहाँ से X नेगेटिव निकला, यहाँ से H पॉजिटिव, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, ये HG कैसा हो गया आपका, पॉजिटिव, यहाँ से H नेगेटिव, तो क्या बन गया, RHGH बन गया, ठीक है। और जो एल्किल मरकरी हाइड्राइड बनता है वो कैसा होता है, काफ़ी अनस्टेबल कंपाउंड है, ये अपने में से क्या निकाल देता है, आर रेडिकल, क्या करता है आपका, आर रेडिकल, फिर ये आर रेडिकल NaBH4 के साथ रिएक्शन करता है और क्या दे देता है इसको, हाइड्रोजन रेडिकल देता है या हाइड्राइड देगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, RH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये दिया गया है, तो ये क्या है आपका एल्कीन, हम किसकी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, एल्कीन की, मरकरी एसिटेट के साथ कर रहे हैं, वाटर है, ठीक। तो क्या होगा, देखो ओवरऑल NaBH4 तो क्या करेगा, एच देगा, और जहाँ पर मरकरी वो AC जुड़ा होगा वहाँ पर तो एच आ जाएगा, और जो दूसरा पॉइंट होगा वहाँ से इसमें से क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, तो वाटर में न्यूक्लियोफाइल क्या आएगा आपका, OH नेगेटिव। तो होना क्या है, एक जगह OH नेगेटिव आना, एक जगह एच आना, अब कहाँ आएगा, देखो HGOAC है तो कैसे टूटेगा आपका, ऐसे टूटेगा, टूटेगा ना, ये कैसा है वन, ये यदि ऐसे टूटेगा तो कितना डिग्री बन रहा है, 2 डिग्री कार्बोनियम आयन बन रहा है, ज़्यादा स्टेबल है, तो ये टू, ये नेगेटिव हो गया, ये कैसा हो गया आपका, पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव में कौन आएगा, HGOAC इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, समझ में आ रहा है ना, HGOAC पॉजिटिव ही अटैक करेगा, तो यहाँ पर को क्या आ जाएगा, HGOAC यहाँ पर कैसा सेंटर आ जाएगा, प्लस, उस प्लस में कौन करेगा, वाटर का OH नेगेटिव, ठीक है, तो क्या बन गया यहाँ पर को OH, और लास्ट में NaBH4 से करोगे तो ये हट के हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ओवरऑल क्या हुआ आपका, OH और H का एडिशन हुआ, ठीक। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो, ये भी एल्कीन है, मरकरी एसीटेट है, HGOAC का होल ट्वाइस ROH के साथ, होना क्या है देखो, जहाँ पर HGOAC जुड़ेगा NaBH4 तो वहाँ H ले आएगा, और इसका कौन सा नेगेटिव पोर्शन होगा, OR, ठीक है, कौन सा, RO नेगेटिव वो जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर वो, ठीक, तो यहाँ क्या हो गया, OR नेगेटिव और यहाँ पर H, तो H जुड़ेगा तो CH3, ठीक है। लाइकवाइज यहाँ भी कर लोगे, क्या होना है, कुछ नहीं, एक जगह क्या आएगा H और एक जगह क्या आ जाएगा H2O है, तो क्या आ जाएगा OH, ठीक। अच्छा यहाँ पर क्या है देखो, फर्दर एसिडिक मीडियम में करने में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर क्या आ गया OH, समझ में आ गया ना OH, ये कहाँ से आया, वाटर से, और यहाँ पर को क्या आ गया HGOAC, ठीक। लेकिन क्या है, अभी एसिडिक मीडियम है तो पानी भी है, वाटर यहाँ पर देखो फिर से ये डबल बॉन्ड है, तो फिर से ये क्लीव हुआ, ये कैसा हो गया नेगेटिव, ये कैसा हो गया पॉजिटिव, ठीक। अब इस नेगेटिव पे कौन अटैक करेगा, वाटर, मतलब एच पॉजिटिव दे देगा सीधे साधे, ये समझ लो यहाँ पर क्या आ गया आपका, एच पॉजिटिव आ गया, ठीक है, और ये क्या बचा आपका, पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, मरकरी एसिटेट निकल गया, डबल बॉन्ड आ गया ये, और किस में कन्वर्ट हो गया, ये टॉटोमराइज कर दो इसको, 1 2 3, तो हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, तो किस में कन्वर्ट होते हैं, जो एल्काइंस होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं आपके, कीटोनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट, कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्या है आपका, HGOAC का होल ट्वाइस, NaBH4, और तीसरी चीज़ कुछ भी होगा, वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, इनके साथ रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है साइक्लोप्रोपेनेशन ऑफ एल्कीन, तो एल्कीन की एक रिएक्शन ये है, एल्कीन की दूसरी रिएक्शन ये है, इसमें कौन सा होता है आपका, जो मरकरी का होता है कंपाउंड वो लेते हैं PHHGCCl3, समझ में आ रहा, PHHGCCl3, ये ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड यूज़ किया जाता है, तो ये जब इसके साथ गर्म किया जाता है तो जहाँ भी डबल बॉन्ड होगा उसको क्या करेगा, CCl2 दे देगा, क्या देगा, CCl2, भी मैकेनिज्म में पता चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका, साइक्लोप्रोपेन बन रहा है और CCl2 यहाँ पर अटैच हो रहा है, ठीक है। कैसे रिएक्शन हो रही, देखो NI इस रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है, ठीक है, सोडियम आयोडाइड से ये रिएक्शन क्या होती है, एक्सेलरेट होती है, ठीक। तो NaI ने क्या दिया, आई नेगेटिव प्लस PHHGCCl3, क्या हुआ आपका, ये बॉन्ड HG और C के बीच का ब्रेक होगा, तो ये कैसा नेगेटिव, ये कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, इस पॉजिटिव से क्या हो गया, आई नेगेटिव, PHHGI तो दिख ही रहा होगा, प्लस क्या बना आपका, देखो CCl3 नेगेटिव, तो देखो CCl3 नेगेटिव, अब इससे क्या निकल गया, ये Cl नेगेटिव, तो ये न्यूट्रल हो गया, मतलब क्या बन गया, डाइक्लोरोकार्बीन, क्या बन जाता है फिर आपका, डाइक्लोरोकार्बीन, और कार्बीन की रिएक्शन तो मैं पता ही होगा, डबल बॉन्ड पे जब कार्बीन इस रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं आपके, साइक्लोप्रोपेन, तो डाइक्लोरोकार्बीन है, तो डाइक्लोरोकार्बीन इस तरीके का मॉइटी बनाएगा, ठीक हो गया।